सो हे गाइस, मैं नाम अनुप एंड यू आर वॉचिंग करेज टेक। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में अभी जो ये कुछ चाइनीज ऐप थे वो उस टाइम बैन हो चुके हैं, और हमारा भी बस एक ही कहना था, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। बट मेन बात ये है कि गाइज, अगर वो बैन हुए सो गाइज हमें उसकी कुछ अल्टरनेटिव एप्स भी चाहिए। जो गाइज जो जैसे हम कोई कभी सैरेट यूज़ करते थे या फिर कुछ अदर एप्स यूज़ करते थे, तो उनकी जगह हमें कुछ और भी तो चाहिए अगर हमने चाइनीज को मतलब बॉयकआउट कर दिया तो। रुको जरा, सबर करो। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको उसकी कुछ अल्टरनेटिव एप्स बताने वाला हूँ। सो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट में जो अल्टरनेटिव एप्स हैं गाइस, उसमें हमारा सबसे पहले था हमारा कैम स्कैनर। क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं अभी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं उन सबके एग्जाम मतलब इस टाइम तो पोस्टपोन हो चुके हैं, बट उन्हें अपनी वो असाइनमेंट फाइल जमा करनी होती है और वो भी उन्हें स्कैन करके। बट गाइस मेन सीन यहाँ पे ये हो गया है कि गाइस मोस्टली लोग यहाँ कैम स्कैनर से करते थे, लेकिन इस टाइम कैम स्कैनर बैन हो चुका है। एंड गाइस सुनने में ये भी आया था कि कैम स्कैनर में हम जो कि हमारा थोड़ा डाटा भी लीक होता है, तो गाइस उसके जगह पे हमारे कुछ यहाँ अल्टरनेटिव एप्स हैं गाइस, जैसे एक अडोबे स्कैनर हो गया गाइस, ये काफ़ी अच्छा इस ऐप है। एंड गाइस मैं इस वीडियो में आपको जितने भी ऐप्स बताऊंगा गाइस, या तो मोस्टली इंडियंस होंगे या फिर यूएस के होंगे, बट गाइस यहाँ चाइनीज एक भी ऐप नहीं होगा। सो गाइस वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइस हमारा सबसे पहला इसमें आ जाता है अडोबे स्कैनर, जिसे हम कैम स्कैनर की जगह यूज़ कर सकते हैं। या फिर गाइस हमारा अगर सेकंड की बात करें तो इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लेंस आता है गाइस, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारा स्कैनिट का एक ऐप आता है गाइस, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इसके कुछ अल्टरनेटिव ऐप्स थे। सो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट ऐप आता है गाइस, वो है शेयरिट। गाइस मोस्टली लोग आप जानते होंगे गाइस, शेयरिट से हमें अपनी फाइल कभी ट्रांसफर या फिर कुछ भी करना होता है सो गाइस, या तो हम शेयरिट या फिर एक्सेंडर गाइस, मोस्टली हम इन्हीं दो ऐप्स को यूज़ करते थे। बट गाइस ये दोनों ऐप्स भी इस टाइम चाइनीज हैं, एंड गाइस ये दोनों ऐप इस टाइम बैन हो चुके हैं। सो गाइस इसकी जगह हम क्या ऐप यूज़ कर सकते हैं? सो गाइस इसकी जगह हमारे कुछ यहाँ अल्टरनेटिव ऐप्स हैं गाइस, जैसे एक हमारा हो गया जियो स्विच गाइस, ये जियो का इंडियन ऐप आप समझ लीजिए गाइस, जिसे भी हम अपनी इजीली फाइल मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं स्विच करके। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट आता है फाइल्स गो बाय गूगल। फाइल्स बाय गूगल गो, तो गाइस ये हमारे दो ऐप्स हैं गाइस, जिसे आप चाहे तो आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं मतलब अपनी फाइल शेयर करने के लिए। सो गाइस इसके बाद जो अगर हमारा एक नेक्स्ट ऐप आता है सो गाइस, जो कि हमारा ये चाइनीज ऐप था गाइस, वो था हमारा मी वीडियो कॉल गाइस, जैसे हम कभी वीडियो कॉल करते थे सो गाइस मोस्टली या तो हम चाइनीज की इन ऐप्स को यूज़ करते थे, मी वीडियो कॉल, या फिर हमारा नेक्स्ट आ गया वी मीट। ये गाइस ये भी चाइनीज ऐप थे, एंड गाइस ये दोनों इस टाइम बैन हो चुके हैं। सो गाइस अगर हम बात करें इनके अल्टरनेटिव ऐप्स की, सो गाइस मैं तो खुद मैं ये यूज़ करता हूँ, एंड गाइस मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि गाइस आप भी या तो गूगल डियो यूज़ करिए या फिर आप यहाँ स्काइप यूज़ करिए गाइस, स्काइप की भी यहाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है। एंड गाइस अगर आपको कोई कभी कोई मीटिंग वीटिंग या फिर कुछ वैसी चीज़ें करनी है तो गाइस उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट टीम गाइस, आप इन ऐप्स को भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजनेस मीटिंग्स के लिए। एंड गाइस अब जो हमारे इसमें नेक्स्ट ऐप आता है गाइज, वो है इसमें इनर मास्टर गाइज, ये मोस्टली आप लोग जानते होंगे गाइज, अगर हम अपने फ़ोन की रैम या फिर कैसे जब ये सब कुछ जंक फाइल जब क्लियर करने होते हैं तो गाइज मोस्टली लोग इन्हें यूज़ करते थे, या फिर एक डियो स्पीड बूस्टर था जिसे हम अपनी जंक फाइलें क्लियर करते थे। मगर गाइज इस टाइम ये दोनों ऐप्स भी इस टाइम बैन हो चुके हैं। तो इसकी जगह पर हम अपने या तो सीसी क्लीनर या फिर अगेन हम अपना सेम ऐप गूगल गो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था फाइल शेयरिंग के लिए, गाइज आप इन दोनों ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ अल्टरनेटिव तौर पर। एंड गाइज अगर हम ब्राउज़र ऐप्स की बात करें सो गाइज मोस्टली लोग तो यहाँ यूसी ब्राउज़र, इवन गाइज मैं भी यूसी यूज़ करता था मतलब क्रोम और यूसी दोनों करता था। तो इस टाइम जैसे जब से मैंने सुना कि ये मतलब ब्लॉक हो चुका है या बैन हो चुका है सो उसके बाद से मैंने अपने इस ऐप को मैंने डिलीट कर दिया है। एंड गाइज यहाँ पे एक और इसका इनका चाइनीज एक ऐप आता था गाइज, वो है ड्यू ब्राउज़र। तो ये दोनों ऐप इस टाइम बैन हो चुके हैं। सो गाइज उसकी जगह पे आप चाहते हैं अल्टरनेटिव तौर पे गाइज, सबसे बेस्ट आपका ये क्रोम ब्राउज़र रहेगा, या फिर आप चाहते हो यहाँ पे मेजुला फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं जो फ़ोन का आता है, या फिर एक इंडियन एक ऐप है जिसे भारत ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। तो चाहे तो आप अल्टरनेटिव तौर पर गाइस आप इन ऐप्स को भी इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस अब जो हमारा जो नेक्स्ट ऐप आता है गाइस, वो है यूसी न्यूज़ गाइस। मोस्टली लोगों को जैसे न्यूज़ पढ़ने की आदत होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर न्यूज़ पढ़ना होता है तो वो यूसी न्यूज़ यूज़ करते थे। मतलब क्यों, किस लिए, क्या यहाँ गूगल का ही न्यूज़ नहीं है? गूगल न्यूज़ आप जाकर इजीली सर्च करो, आपको वहाँ पर सुनने को मिल जाएगा। एंड गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, मैं इस टाइम गांव में हूँ, एंड गाइस यहाँ मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ। सो अगर गाइस अगर आपको विंड नॉइस या फिर अगर बाहर से कोई अगर अलग से नॉइस सुनाई दे गाइस, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। एंड गाइस अब हमारा एक नेक्स्ट ऐप आता है गाइस, वो है ड्यू रिकॉर्डर गाइस। आप सब जानते हैं अगर हमें कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर कुछ भी करना होता है सो गाइस यहाँ ड्यू रिकॉर्डर काफ़ी फेमस था, जैसे मोस्टली लोग इसे भी मतलब बहुत से यूट्यूबर्स भी यूज़ करते थे। बट गाइस वो भी चाइनीज ऐप था और वो भी इस टाइम बैन हो चुका है।
सो गाइस उसका भी अल्टरनेटिव एप्स हैं गाइस। जैसे अगर आप एमआई के फोन देखेंगे गाइस, वैसे तो ये भी चाइनीज है, इसको खत्म होने का मैं भी इसे फेंक दूंगा और कोई बढ़िया फोन ही लूंगा। जैसा चाइनीज ऐप चाइनीज फोन मैं भी नहीं लूंगा, बट इन फोनों में या गाइस मोस्टली जो फोन आते गाइस उसमें उनमें आपको ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है, बट ये जरूरी नहीं कि अगर इनमें मिल जाता है तो सब में मिलता हो। सो गाइस उसका भी एक अल्टरनेटिव ऐप है गाइस, उसका नाम है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स गाइस। आप इधर साइड में इन सभी ऐप्स के लोगो या उनके नाम के साथ देख सकते हैं गाइस, ये इन ऐप्स को आप चाहे तो ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। सो गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट ऐप आता है गाइस वो है यहाँ पैरेलल स्पेस गाइस। मोस्टली आप लोग जानते होंगे इस ऐप को कि गाइस अगर हमें किसी अपने ऐप का क्लोन बनाना होता है तो गाइस हम यहाँ पैरेलल स्पेस यूज़ करते हैं, मोस्टली व्हाट्सअप का या फिर किसी भी अदर जो ऐप्स होते हैं उनका अगर हमें क्लोन बनाना होता है तो हम उसे ये यूज़ करते थे। बट गाइस ये भी चाइनीज था और ये भी बैन हो चुका है। इसकी जगह एक दूसरा एक ऐप है जिसे हम एज अल्टरनेटिव तौर पे यूज़ करेंगे गाइस, वो हमारा क्लोन ऐप गाइस, इसका नाम ही क्लोन ऐप है। आप यहाँ देख भी सकते हैं गाइस, ये इस ऐप को आप चाहते हो एज अल्टरनेटिव तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब हमारा एक नेक्स्ट ऐप आता है गाइस, वो है वीवा वीडियो गाइस। ये भी एक चाइनीज ऐप है गाइस, इसे हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते थे गाइस। मोस्टली लोग इसे जानते होंगे इस ऐप्स को क्योंकि इससे हम वीडियो एडिटिंग करते थे, बट ये भी हो चुका है बैन। तो इसका अल्टरनेटिव तो यही ऐप है गाइस, जैसे काइंड मास्टर जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा गाइस आप काइंड मास्टर यूज़ करें या फिर आप पावर डायरेक्टर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इन दो तीन ऐप को यूज़ कर सकते हैं गाइस। ये बिल्कुल ट्रस्टेड और मतलब क्या ही बताऊँ, बढ़िया ऐप है बस। सो गाइस फाइनली लास्ट में हमारे कुछ वो गिने चुने कुछ तुच्छे ऐप आते हैं। अब आप ये सोचेंगे कौन से तुच्छे ऐप गाइस, हाँ यहाँ उन्हीं ऐप्स की बात हो रही है, कवाई, लाइकी, वीगो वीडियो और सबसे लास्ट में सबसे घटिया और सबसे बेकार ऐप टिकटॉक। हाँ गाइज मैं मानता हूँ कुछ हम कुछ यहाँ टिकटॉक यूजर्स देख रहे होंगे और वो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी करें, बट मुझे यहाँ घंटा फर्क नहीं पड़ता, करो डिसलाइक। देखते हैं आज कितने यहाँ पे टिकटॉकर्स हैं जो मेरी वीडियो को डिसलाइक करते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये इन ऐप्स को भी आप जानते हो कि यहाँ पे ये सारे ऐप्स बैन हो चुके हैं, बट हमारे इंडिया में इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया है और इसके भी कुछ अल्टरनेटिव कुछ नहीं एक फिलहाल मुझे एक मिला है। वैसे तो इसलिए इन ऐप्स को मुझे अपनी लिस्ट में ऐड करने का मन नहीं था, बट फिर भी सोचा कि कर लेता हूँ, सो दैट्स व्हाई मैंने इन्हें ऐड किया। तो इसका भी एक ऐप है जो कि इंडियन ऐप है, मतलब मुझे ये खुद समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने क्यों ये ऐप बना दिया। अच्छा खासा तो मतलब चाइना का गया ही गया था, अब इंडिया ने बना दिया और नाम 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 क्या रखा था उसका, टनाटन क्या था, हाँ टनाटन, मतलब ये कोई नाम है, मतलब प्ले स्टोर पर अगर आप जाकर इसे सर्च करेंगे ना तो इसे आप इंडियन ऐप के नाम से भी जाने देख इसके मतलब आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें टिकटॉक इसका रिलेटेड कुछ नाम लिखा हुआ आ जाएगा। सो गाइज मैंने भी इसे कल परसों में देखा और मैंने कहा मतलब ये चल क्या रहा है इंडिया में, मतलब अभी कल परसों बैन हुए, आज उसका क्लोन आजकल परसों में एक आ गया, क्या बताऊँ। बेरोजगारी इस टाइम चारों तरफ चल रही है और लो इन और जो हमारे कुछ ये अदनान पदनान जितने भी टिकटॉकर्स हैं इन्हें यहीं पे रोजगार मिलता है, तो आगे अपना रोजगार यहाँ से ले लें इस वीडियो को देख के। गाइस मेरी आज की वीडियो में बस इतने ही ऐप्स थे एंड गाइस ये कुछ वो ऐप्स थे गाइस जिन्हें हम अपने डेली यूज़ में या फिर मोस्टली अपने यूज़ में लेते रहते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल करेज टेक।